स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 6.3। सो 6.2 में हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसी का अपोजिट फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो क्या होगा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इस प्रैक्टिस सेट में हमें ये सेकेंड वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, कहीं कहीं पे फर्स्ट वाले फॉर्मूले का भी यूज़ करना है, इसीलिए मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए। लेकिन जब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 8 क्वेश्चंस दिया है, तो वो 8 क्वेश्चन में हमें हर जगह पे सिर्फ सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है? सो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए, ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये y क्यूब तो है, लेकिन ये 27 क्यूब नहीं है। जैसे ये a क्यूब और ये b क्यूब है, वैसे ही दोनों क्यूब होना चाहिए। सो 27 जो है वो किसका क्यूब होता है? तो 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, y क्यूब माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं? y क्यूब माइनस 3 क्यूब, ठीक है? अब जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे पुट करेंगे y, जहाँ पे b है वहाँ पे पुट करेंगे 3, ठीक है? सो पुट कीजिए फॉर्मूले में, y माइनस 3, y स्क्वायर, a स्क्वायर है इसलिए y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, a और b, सो y और 3, y इंटू 3, प्लस है तो प्लस एंड b की जगह पे 3 का स्क्वायर, ठीक है? सो ये क्या हो जाएगा? y माइनस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। सो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो यहाँ पर भी लिखेंगे सेम यही फॉर्मूला, क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस, सॉरी, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं? अब ये जो क्यूब है ये सिर्फ y के ऊपर है, 64 के ऊपर नहीं है। तो आपको अगर सारे क्यूब्स याद होंगे, सो देखिए 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। तो हम यहाँ इसको किस तरह से लिख सकते हैं? एक्स क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब, ठीक है? सो 4 का क्यूब होगा 64, y क्यूब हो जाएगा y क्यूब, ठीक है? सो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे पुट कीजिए x, जहाँ पे b है वहाँ पे पुट कीजिए 4y। सो x माइनस 4y, यहाँ पर है a तो हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस ए बी है सो x इंटू 4y, प्लस b है सो 4y का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, ठीक है? x माइनस 4y एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, y का स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। सो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। हम हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या राइट करेंगे? फॉर्मूला। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके? अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं। तो आपको क्यूब्स सभी पता होने चाहिए, एटलीस्ट 1 to 100 तक क्यूब्स तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्यूब्स पता नहीं है तो देखिए स्क्रीन पे क्यूब्स डिस्प्ले हो रहा होगा, इसे लिख लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि विदाउट क्यूब आप प्रैक्टिस सेट 6.2, 6.3 नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? सो स्क्रीन के ऊपर आपके डिस्प्ले हो रहा होगा क्यूब्स, 1 to 100 तक के सारे क्यूब्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आप उसे लिख लीजिए और उसे लर्न कर लीजिए, ठीक है? सो देखिए यहाँ पर 27 का क्यूब, सो 27 किसका क्यूब होता है? सो हमें पता है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन, 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब। सो 27 किसका क्यूब होता है? तो हम, मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई तो उसमें 3 का क्यूब 27 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3m क्यूब माइनस
216 किसका क्यूब होता है, तो लिस्ट में आप देख सकते हैं 6 का क्यूब होता है, ओके। तो इसे लिख सकते हैं 6n³, ठीक है। अब जहाँ पे a है वहाँ पे 3m पुट कीजिए, जहाँ पर b है वहाँ पे 6n, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a माइनस b है, सो 3m माइनस 6n आएगा, 3m माइनस 6n, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगेगा, a का स्क्वायर है मीन्स 3m का स्क्वायर, प्लस ए बी है मीन्स 3m इंटू 6n, प्लस बी का स्क्वायर है मीन्स 6n का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, सो 3m माइनस 6n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, प्लस 36 जा 18 mn, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36n स्क्वायर। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला राइट कीजिए, a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 125 को 125 वाई क्यूब, 1 को क्या लिख सकते हैं 125, अगर आपने लिस्ट सारी लिखी और उसे लर्न कर ली है तो 125 जो है वो क्या होगा, फाइव का क्यूब होता है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, फाइव वाई का होल क्यूब, और वन का क्यूब तो वन ही होता है, तो वन को वन क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पे हम पुट करेंगे फाइव वाई, जहाँ पे बी है वहाँ पे वन, तो पुट कीजिए यहाँ पर ए की जगह पे फाइव वाई, बी की जगह पे वन, यहाँ पर ए की जगह पे फाइव वाई का होल स्क्वायर, प्लस a इंटू बी मीन्स 5y इंटू 1, प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 5y माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, प्लस 5 1 जा 5 मीन्स 5y आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ करने थे। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हमें 8p का क्यूब माइनस 27 अपॉन पी क्यूब, ओके। सो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8p क्यूब माइनस 27 बाय पी क्यूब को क्या लिख सकते हैं। सो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2p का होल क्यूब, माइनस है तो माइनस, 27 किसका क्यूब है, सो 3 का क्यूब है, एंड पी, सो पी को ऐसे लिखिए और होल क्यूब दोनों के ऊपर लगाइए। सो देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और पी क्यूब हो जाएगा पी क्यूब, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे पुट कीजिए 2p, जहाँ पे बी है वहाँ पे पुट कीजिए 3p। सो थोड़ा इधर से लिखता हूँ मैं, तो ए की जगह पे पुट करेंगे 2p माइनस बी की जगह पे पुट करेंगे 3 अपॉन पी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर है मीन्स 2p का होल स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी मीन्स 2p इंटू 3 अपॉन पी, प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 3 अपॉन पी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये एज इट इज रहेगा 2p माइनस 3 अपॉन पी, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, प्लस यहाँ से पी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, एंड पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसी की तरह है, बस हमें अगर क्यूब पता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, 343 ए क्यूब माइनस 512 बी क्यूब। सो 343 किसका क्यूब होता है, तो 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। आपके पास मैंने लिस्ट, आपको मैंने वीडियो के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद लिस्ट दी थी, तो वो लिस्ट को लिख लीजिए और उसे लर्न कर लीजिए। सो आप इजीली प्रैक्टिस सेट 6.3 और 6.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, 7a का होल क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, और a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब, माइनस
पाई 112 किसका क्यूब होता है, तो ये 8 का क्यूब होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 ए का होल क्यूब। ठीक है, सो अब देखिए जहां पर ए है वहां पे पुट करेंगे 7a, जहां पर बी है वहां पे पुट करेंगे 8a, यहां पर बी है सॉरी, सो यहां पर लिखेंगे बी का क्यूब। ठीक है, पुट कीजिए फॉर्मूले में, तो यहां पर है ए मीन्स 7a और यहां पे है बी मीन्स माइनस 8b। ठीक है, यहां पे ए स्क्वायर मीन्स 7a का होल स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 7a इंटू 8b प्लस बी स्क्वायर मीन्स 8b स्क्वायर, 8b का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको एज इट इज लिखिए, 7a माइनस 8b, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 7 जा 56, ए और बी है तो ए बी, प्लस 8 जा 64, बी स्क्वायर है सो बी स्क्वायर। सो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमें, 64x³ माइनस 729y³। सो ये भी बहुत इजी है, ये भी 64 भी किसी ना किसी का क्यूब होता है और 729 भी किसी ना किसी का क्यूब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए। सो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 64 4 का क्यूब होता है एंड 729 जो है वो 9 का क्यूब होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9y का होल क्यूब। ठीक है, नाउ अब जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे पुट कीजिए 4x और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे पुट कीजिए 9y। सो 4x माइनस 9y, एक्स की ए की जगह पे पुट होगा 4x, सो क्या आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू 9y प्लस बी मीन्स 9y का होल स्क्वायर। ओके, सो 4x माइनस 9y एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर करेंगे सो 16, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 xy प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81 y स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। सो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 16a³ माइनस 128a³। सो देखिए 16 किसी का क्यूब नहीं होता और 128 भी किसी का क्यूब नहीं होता, तो जैसे हमने 6.2 किया था तो उसमें कुछ कॉमन ले लिया करते थे, वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। सो 16 का फैक्टर निकालिए, देखिए क्या आता है, 28 जा 16, 24 जा 8, 22 जा 4, 21 जा 2। सो क्या आ गया 16 का फैक्टर, 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बाद में रफ कर दूंगा। 16 का फैक्टर आया है 2 × 2 × 2 × 2। अब 128 का फैक्टर फाइंड कर लीजिए, सो 128 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। क्या आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए अब इसमें कॉमन क्या है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 2 × 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। सो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 16 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए क्यूब बचेगा, और यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो क्या बचेगा 8 / a³। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 16 तो एज इट इज रहेगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। सो एक 16 एज इट इज, a क्यूब एज इट इज, इसे हम लिख सकते हैं 2 / a का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a³ - b³ का। ठीक है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, यहाँ पर b है क्वेश्चन में। ठीक है,
ये क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पर बी है। सो यहाँ पर भी क्या है, बी है। सो यहाँ पर भी आएगा आपका बी और यहाँ पर भी आएगा बी, ठीक है। सो चलिए अब जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पे पुट कीजिए ए, जहाँ पे बी है वहाँ पे 2/b। सो फॉर्मूला देखिए क्या दिया हुआ है, 16 तो एज इट इज रहेगा। फॉर्मूला देखिए ए माइनस बी दिया है तो हम लोग भी लिखेंगे ए माइनस 2/b, ठीक है। आगे फॉर्मूले में ए का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी दिया है मीन्स ए इंटू 2/b, ओके, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2/b का होल स्क्वायर, ओके। सो ये 16 एज इट इज रहेगा, ए माइनस 2/b एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए और बी मीन्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a/b हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन करने थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें क्या दिया है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो ये भी बहुत ईजी है, बस हमें ध्यान से करना है। इसमें हमें क्या देखना है, देखिए ये पूरे को अगर हम देखें, अगर इस पूरे को हम सपोज कर ले कि ये पूरा हमारा ए है, ठीक है, और ये पूरा हमारा बी है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहाँ पे देखिए माइनस है, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे पुट करेंगे हम क्या, एक्स प्लस वाई, और जहाँ पे बी है वहाँ पे पुट करेंगे एक्स माइनस वाई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ए है तो हम लोग एक्स प्लस वाई पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है बी तो एक्स माइनस वाई। सो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से पुट करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, एक्स प्लस वाई मीन्स ए एंड एक्स माइनस वाई मीन्स बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर अब जहाँ पर ए है वहाँ पे पुट करेंगे एक्स प्लस वाई, और जहाँ पर बी है वहाँ पे पुट करेंगे एक्स माइनस वाई, ओके। एंड यहाँ पर क्या बोला है, ए स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस है, फिर क्या बोला है, ए इंटू बी मीन्स दिस इंटू दिस, सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ओके। प्लस अब ये पूरा हमारा बी है तो बी की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स माइनस वाई, और उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये x प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। छोटा वाला ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाइए। सो यहाँ पर x प्लस वाई है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। प्लस यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, जैसे ये 2xy 2xy ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ पे देखिए प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से कैंसिल नहीं, ये y तो प्लस में ही है तो y कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, y एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए x प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो y और y क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, और कहीं है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है। सो क्या हो जाएगा, ये
टू वाई एज इट इज़, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, वन टू एंड थ्री, सो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, वो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। सो यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, एंड y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड y, ठीक है। और ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में तो प्लस है, सो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा 2y क्यूब। 2 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और ये की y, तो कितना हो जाएगा वाई क्यूब। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है, 3a प्लस 5b माइनस 3a माइनस 5b का होल क्यूब। तो हम इस पूरे ब्रैकेट को सपोज कर लेंगे a और इस पूरे ब्रैकेट को सपोज कर लेंगे b, और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करेंगे। तो जहाँ पे a है वहाँ पे पुट कीजिए 3a प्लस 5b, जहाँ पे b है वहाँ पे पुट कीजिए 3a माइनस 5b। सो फर्स्ट है a तो पुट करेंगे 3a प्लस 5b माइनस b 3a माइनस 5b, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर न्यू ब्रैकेट। क्या है a स्क्वायर मीन्स 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, प्लस है फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई है a इंटू बी का, सो हम भी कर लेते हैं 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b। आगे क्या दिया है, b का स्क्वायर मीन्स 3a माइनस 5b का स्क्वायर, 3a माइनस 5b का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो क्या हो जाएगा 3a प्लस 5b तो एज इट इज रहेगा, इसका माइनस है तो इसलिए ये सब साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस 3a, और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस 5b, ओके। एंड यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाले ये देखिए क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 5b स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, तो क्या होता है 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 5b, अब मैं नीचे लिखता हूँ प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कीजिए, इन सब का जो स्क्वायर है जिसके ऊपर वो स्क्वायर कर लीजिए। सो इसको एज इट इज़ लिखिए, मैं थोड़ा और इधर से लिखता हूँ ये स्टेप को। सो क्या होगा, ये 3a कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 क्या हो जाएगा 10b, ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। सो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, सो क्या आ जाएगा प्लस 30 प्लस 30ab प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 एंड बी का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3a, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस कीजिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, a और b प्लस 5 का स्क्वायर 25 बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, जैसे माइनस 25b प्लस 25b कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है 30 प्लस ए बी 30 माइनस ए बी, इसे भी कैंसिल कर दीजिए, और कुछ देखिए कैंसिल हो रहा है, सो नहीं हो रहा है, सो ये 10b एज इट इज लिखिए, और इसे लिखिए ब्रैकेट में 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस 25b स्क्वायर,
ठीक है। सो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा इसके नीचे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगला स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप, ठीक है। सो इन सबको और देखिए कुछ बचा है, 9 लिख लिया हमने, ये 9 लिख लिया, ये 9 लिख लिया, यानी ये 25 बचा था, एज इट इज़ लिख लिया। अब इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सो 10 क्या है, बी, ठीक है। अब ये 9, 9 एंड 9, सो कितना हो जाएगा, इसको प्लस कीजिए, 9, 9, 18, 9 और 27, सो ब्रैकेट में 27 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो 10 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10, 27 जा 270, ए स्क्वायर पहले से है, बी यहाँ का है, सो 217 ए स्क्वायर बी प्लस, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 बी स्क्वायर और एक इधर भी, तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखने में ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, देखिए हमने फिफ्थ चैप्टर में एक फार्मूला देखा था, वो फार्मूला क्या था, ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस टू सॉरी प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। सो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये इसको हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो लिखिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और ये ऐसे ही लिखिए यहाँ पर देखिए प्लस बी क्यूब। अब ये जो है इसको एज इट इज़ लिखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस है, ए क्यूब प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। सो क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पी क्यूब माइनस पी प्लस वन का होल क्यूब। सो यहाँ पर देखिए जो p है इसे हम ले लेंगे a और p प्लस वन को ले लेंगे b, और जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर पुट करेंगे p, और जहाँ पर b है वहाँ पर पुट करेंगे p प्लस वन, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ होगा। सो देखिए यहाँ पर a है तो पुट कीजिए p माइनस b की जगह पे p प्लस वन, ओके, इस तरह से लिखेंगे इसे, फिर ब्रैकेट है, फिर क्या दिखा लिखा है, a का स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर प्लस a इंटू बी मीन्स p इंटू पी प्लस वन, p इंटू पी प्लस वन प्लस बी स्क्वायर मीन्स पी प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, सो क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस p एंड माइनस वन, ठीक है। नाउ यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो p स्क्वायर प्लस p हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस टू इंटू पी इंटू वन प्लस वन स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे p प्लस पी माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस वन, और यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एज इट इज़ लिखिए, पी स्क्वायर को भी एज इट इज़ लिखिए, ये 2 इंटू पी इंटू वन क्या आ जाएगा, 2p, और 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सो माइनस वन एज इट इज़ रखिए, पी स्क्वायर को एक साथ लिख लीजिए प्लस p 2p प्लस 1, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। सो ये देखिए पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर 1 2 3, सो 3 पी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वन एज इट इज़,
थ्री पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, प्लस पी प्लस टू पी प्लस वन, ठीक है। अब ये माइनस है, ये सब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सब साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे माइनस अगर थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो थ्री वन जा थ्री, सो माइनस थ्री पी स्क्वायर माइनस पी माइनस टू पी माइनस वन। सो ये होगा आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये माइनस पी और माइनस टू पी है, तो ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो ये माइनस थ्री पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये पी और पी है तो क्या हो जाएगा थ्री पी, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस होता है इसलिए टू और वन थ्री, लेकिन बड़े डिजिट के सामने माइनस है इसलिए माइनस और माइनस वन। सो इस तरह से इसका आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलिए अब देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। सो क्या दिया है यहाँ पर, थ्री एक्स वाई माइनस टू ए बी का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू ए बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये पूरे को मान लेंगे हम ए और इस पूरे को सपोज कर लेंगे बी, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पर ए होगा वहाँ पे पुट करेंगे ये पूरा, और जहाँ पर बी होगा वहाँ पर पुट करेंगे ये पूरा, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर ए है, सो ए की जगह पे पुट करेंगे हम थ्री एक्स वाई माइनस टू ए बी, फिर माइनस है बी की जगह पे ये वाला पुट करेंगे थ्री एक्स वाई प्लस टू ए बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको मैं और इधर से लिखता हूँ ताकि हमें क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा, ये सम थोड़ा बड़ा है। सो यहाँ पर ए पुट कीजिए थ्री एक्स वाई माइनस टू ए बी, फिर माइनस बी थ्री एक्स वाई प्लस टू ए बी अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है मीन्स थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू ए बी स्क्वायर है, थ्री एक्स वाई प्लस टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए, ए मीन्स ये पूरा इक्वेशन माइनस है सो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। ए क्या है हमारा थ्री एक्स वाई माइनस टू ए बी, फिर बी की जगह पे क्या आएगा थ्री एक्स वाई प्लस टू ए बी, ठीक है। फिर प्लस है सो प्लस, बी की जगह पे क्या आएगा थ्री एक्स वाई प्लस टू ए बी, थ्री एक्स वाई प्लस टू ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, सो ये हो जाएगा थ्री एक्स वाई माइनस टू ए बी, ये माइनस है तो माइनस थ्री एक्स वाई हो जाएगा एंड माइनस टू ए बी हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर क्या लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हमारा a और ये हमारा b, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो थ्री एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस टू थ्री एक्स वाई इंटू टू ए बी प्लस, इसको थोड़ा सीधा लिखता हूँ मैं, थ्री एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री एक्स वाई इंटू टू ए बी फिर प्लस टू ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी है तो इसे लिख सकते हैं थ्री एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी का होल स्क्वायर। सो लिखिए थ्री एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ से करता हूँ मैं, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, आगे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर मीन्स थ्री एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री एक्स वाई इंटू टू ए बी प्लस, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स टू ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जिसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो टू और टू फोर हो जाएगा, लेकिन दोनों डिजिट के सामने माइनस है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, तो क्या आएगा माइनस टू ए बी सॉरी फोर ए बी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं,
सो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 3 2 6, 6 2 12, सो 12 एक्स वाई ए बी, प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, प्लस इसको एज इट इज लिखिए, नहीं इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, सो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लिखिए, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 2 6, 6 2 12, सो प्लस 12 एक्स वाई ए बी, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, तो ये देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये देखिए माइनस है और ये देखिए प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 देखिए प्लस माइनस कैंसिल एंड और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस 4 ए बी को एज इट इज रहने दीजिए, माइनस 4 ए बी, 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कहाँ है 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ है तो लिख लीजिए 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कहाँ है यहाँ है, सो 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, बस प्लस हमने 9 सारे लिख लिए, अब क्या बचा है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे के क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सो इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। सो देखिए क्या होगा 9 और 9 और 9 कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27, सो इसको एज इट इज लिखिए 4 ए बी और ब्रैकेट में क्या आएगा 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचेगा प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो 27 4 जा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 4 जा 28 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 108 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो ये भी माइनस में आएगा, सो माइनस 108 ए बी और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 ए और ए ए स्क्वायर है और ये ए कितना हो जाएगा ए क्यूब और ये बी स्क्वायर है और ये बी, सो बी क्यूब, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस 108 ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 ए क्यूब बी क्यूब। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5th करना था, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 कंप्लीट हो गया। सो प्रैक्टिस सेट 6.3 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।